अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। सारी दुनिया में इस वक्त रमजान शरीफ मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए अकोला शहर में भी चारों ओर रमजान की रौनकें नजर आ रही है। हर कोना कोना रमजान की रौनकों से जगमगा रहा है। मस्जिदों में नमाजी नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो रोजदारे इतनी तपिश में अपना रोजा रखते हुए नजर आ रहे हैं। यूं तो पूरे शहर में रमजान की रौनकें छाई हुई है, किंतु अकोला के मोहम्मद अली चौक की बात की जाए तो अलग ही है। जैसे जैसे रमजान का महीना खत्म होता है, लोग ईद की तैयारियों में लग जाते हैं। इसी को देखते हुए मोहम्मद अली चौक में हर साल कपड़े, जूते, चप्पलों की दुकानें सज जाती है। साथ ही तरह तरह के पकवान, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सेवैया, शरबत व लजीज लजीज खानों से मोहम्मद अली चौक की शान में चार चांद लग जाते हैं। इन्हीं लजीज खानों के लिए रोजदार अपने रोजे खोलने के बाद तरावी की नमाजें पढ़ने के बाद चौक में आकर खरीद व फरोख्त करते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों व परिवार लोगों के साथ लजीज लजीज खानों का स्वाद लेते हैं। मोहम्मद अली चौक में रमजान के पूरे महीने दुकानों पर रश व सड़कों पर भीड़ दिखाई देती है। इसी चौक में दुकानदारों का भी अच्छा व्यापार होता है। रमजान के महीने में कच्ची मस्जिद का नजारा देखने लायक होता है। पूरी मस्जिद ऊपर से लाइटिंग से सजी हुई होती है, तो अंदर नमाजियों से सजी होती है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस चौक में अकोला शहर के आसपास के देहात व तालुका से लोग खरीदी करने के लिए आते हैं, जिसके कारण मोहम्मद अली चौक पर ज्यादा रश देखने को है। इस चौक में किसी भी प्रकार की कोई घटना या चोरी ना हो, उसके लिए भी पुलिस का बंदोबस्त व पेट्रोलिंग अक्सर शुरू रहती है।